अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के बारे में, और आपके लिए हमने मैसेज लिखा है जीवन को बैलेंस कीजिए अब और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दीजिए। हम इसके बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे आपके लिए आपके हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फ्रेंड्स, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रेवल एंड द मैसेज ऑफ द मंथ एंड अफर्मेशन फॉर द मंथ, इनके बारे में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले ये है कि हमारे आज के स्पॉन्सर आर्ट्स क्राफ्टेड डॉट कॉम है, जो कि एक हैंडक्राफ्टेड हैंडमेड ज्वेलरी बेचते हैं, और इनकी ये वेबसाइट है, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं ये ज्वेलरी यहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। अब हम अपने वीडियो पे वापस आते हैं और शुरू करते हैं आपके लिए आपके हेल्थ से। देखो भाई, कन्या राशि वालों, मोस्टली ये देखा गया है कि कन्या राशि वाले किसी ना किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ में, बट हेल्थ का स्ट्रगल बहुत ही बुरा स्ट्रगल आता है आपकी लाइफ में। लेकिन हेल्थ जो है इस बार बहुत ही शानदार बनी हुई है, दिमाग भी शांत है और हर तरीके से एक सात्विक माहौल आपके आसपास बना हुआ है, जिसमें आप प्रसन्न हैं, आप खुश हैं, आप ये एक सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ ये है। लेकिन किसी भी तरह के जंक या ये जो वीकेंड पे आप खाते हो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास में एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के मामले में ये कन्या राशि के लोग चमकते हुए सितारे हैं इस बार, और बढ़िया जो है आपको रिजल्ट यहाँ पर एकदम शानदार रिजल्ट मिलेंगे आपको, और किसी भी तरह का यहाँ पर कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर लग नहीं रही। नेक्स्ट है कार्यस्थल, कार्यस्थल पर करियर, कार्यस्थल पर जो है कन्या राशि वालों को काफ़ी दुष्ट लोग मिलते हैं, ऐसे ऐसे मैनेजर मिलते हैं जो ना केवल घटिया होते हैं बल्कि उनका व्यवहार भी ठीक नहीं होता। लेकिन इस बार आप ऐसे लोगों से आप काफ़ी दूर रहेंगे, और ऐसे लोगों को मैनेज करना भी आपको आ गया है, तो ऐसे लोगों को आप मैनेज करेंगे। और जहाँ तक जॉब चेंज की बात है, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब सर्च भी शुरू कर सकते हैं, आगे आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट है हमारे पास में फिनेंस, रुपए पैसे की स्थिति भी ठीक ठाक बनी हुई है आपके लिए, और एक तरीके से कहा जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, आपके फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उसके हिसाब से आपकी इनकम भी ठीक ठाक बनी रहेगी। तो इनकम का लेवल और जो फाइनेंशियल स्ट्रेस का लेवल है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले, ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट वाला हिसाब किताब आप कह सकते हैं। लव के मामले में, प्यार मोहब्बत के मामले में आप लकी रहेंगे इस बार, और कुछ यहाँ पर आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं वेट कर रहा है, लेकिन कुछ अपेक्षाएं जरूर हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं, यहाँ पर चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी। आप में से कुछ का ये बर्थडे का मंथ है, तो हैप्पी बर्थडे आप लोगों के लिए, और प्यार मोहब्बत यहाँ पर बढ़िया तरीके से बना रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए आपकी मैरिड लाइफ, अगर आपकी मैरिड लाइफ थोड़ा सा दिक्कत में रही है पिछले टाइम में, तो अब यहाँ पर प्यार ही प्यार यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर जो है आपके पार्टनर भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका बर्थडे सितंबर में है तो आपके लिए एक बढ़िया एक पार्टी का इंतजाम भी आपके पार्टनर करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्रेंडशिप, यारी दोस्ती का माहौल बना रहेगा, अब अपने दोस्तों को अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाना चाहेंगे या इन्वाइट करना चाहेंगे, तो एक अच्छा गेट टुगेदर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए आपकी फैमिली, परिवार से हमेशा आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कतें होती हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ उनकी तरफ से डिमांड आती हैं, या कुछ ना कुछ अनड्यू कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा करते हैं लोग, ठीक है। परिवार में ऐसा नहीं है कि सारे लोग आपके आपको सही राय देने वाले होंगे, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि मतलब आपका साथ नहीं देना चाहते, वो रीजन्स क्या है कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। और लेकिन अगर आप घर में बड़े हैं तो लोगों पर अपनी छत्रछाया बनाए रखें। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए आपका ट्रेवल, कि यात्राओं के विषय में क्या होने जा रहा है, यात्राओं के विषय में है भाई यात्राएं, काफ़ी सारी यात्राएं हैं। अगर आप जो है कहीं विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए स्पेशली, तो बिल्कुल यहां पर आपके लिए यात्राओं का योग बन सकता है। नाउ अब है हमारे पास मैसेज ऑफ द मंथ, जीवन को बैलेंस कीजिए और अब अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दीजिए। देखिए भाई, ऐसा है अगर आप 40 प्लस हैं या 45 या 50s में हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप भटकने का कोई फायदा नहीं है। आपके जीवन में जो आप बनना चाहते थे आप बन चुके हैं, अब जीवन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर हो सकता है डिपेंडेंसी भी हो लोगों की। और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दीजिए कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास अफर्मेशन फॉर द मंथ, ओके, अफर्मेशन फॉर द मंथ यहाँ पर ये है, हे मेरे प्रभु, मैं अपने जीवन को बैलेंस करने की कोशिश करूंगी और मुझे जो है उसमें आप सहायता कीजिए, और जो है हर प्रकार का आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा तो बिल्कुल हर चीज़ ठीक होगी।
थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू इंडीड।